बेटे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। देखो बेटे, हम दोनों तुम्हें मिलने आए हैं। चलो मम्मी, मुझसे मिलने के बहाने आप दोनों भी मिल लेते हो। बदमाश कहीं का। इस बदमाश को सुधारना पड़ेगा। हाँ, ये लो चॉकलेट। थैंक यू पापा। डैडी, आप मुझे रिश्वत दे के बिगाड़ रहे हो। अरे, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बात करता है। अच्छा, अब तुम ये बताओ, तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या डैडी? दोनों। अच्छा बेटे, तुम अब जाओ, हम दिवाली में तुम्हें लेने आएंगे। डैडी मम्मी, मगर दोनों साथ साथ आना। साथ में जरूर आएंगे। किरण, ये बड़ा होकर क्या बनेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? माँ पुलिस ऑफिसर, बाप पुलिस ऑफिसर, बेटा भी पुलिस ऑफिसर ही बनेगा। एक बात पूछो। हाँ पूछो। हम तीनों अलग अलग इस तरह कब तक रहेंगे? कभी साथ में नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? लेकिन किरण, जब तक मैं जग्गा को गिरफ्तार नहीं कर लेता, मैं इस इलाके से अपनी ट्रांसफर नहीं कराऊंगा। सरदार, हथियारों से भरा पुलिस का वैन आ रहा है, हम उसे आसानी से लूट सकते हैं। बहुत अच्छे मदन, क्या खबर लाए हो? सूरज सिंह, तुम? हाँ जग्गा, हथियार तो अपनी जगह सुरक्षा से पहुंच गए हैं, अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। फेंक दो चक्का, सूरज सिंह को पकड़ना इतना आसान नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो। हरामखोरों, जिंदगी में पहली बार मैं सरदार के साथ नहीं गया और उसका अंजाम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तू शर्मानी चाहिए तुम्हें। अब वो सरदार के साथ पुलिस इंस्पेक्टर न जाने क्या सलूक कर रहा होगा। ये हवा लात है बच्चे, यहां सिर्फ हवा मिलती है या लात। और जब तक तू अपने देन का पता नहीं बताएगा, तब तक ना मैं तुझे जीने दूंगा और ना ही मरने दूंगा। बताता हूं, बताता हूं। चीयर्स! सरदार को बंद करने वाली जेल अभी तक इस हिंदुस्तान में नहीं बनी है। चीयर्स! बलबीर सरदार, मैं अभी भी जेल तोड़कर भाग कर आया हूँ और पुलिस पीछा करते करते कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। जी, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुँचे, हम अपना सारा माल लेकर यहाँ सर्व चक्कर हो जाएं। जो हुकुम सरदार। ये कौन? मैं हूँ जग्गा, तुम्हारा सरदार। तो फिर तुम? मैं को समझा नहीं। और मैं इंस्पेक्टर सूरज सिंह हूं।
चका, अपने साथियों के साथ चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ताले को। अभी तक तुम्हारा जोश गया नहीं जगह। जब तक तुझे फांसी के फंदे तक ना पहुंचा दूं, मेरा जोश खत्म नहीं होगा। खड़ा हो जगह। सूरत सिंह को छोड़ दो। अच्छा, तो कमीने तुम ही पुलिस के मुखबिर हो। तुमने हमारी सारी बातें बताई और तुमने हथियारों की वैन लूटने की खबर पुलिस को दी। तुम जैसे देश के दुश्मन को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारे ग्रोह में शामिल होना पड़ा। सर, आप बाहर जाइए प्लीज। हट जाओ। अगर हम देश के गद्दार हैं तो तुम हमारे गद्दार हो। कमीने, तूने एक देशभक्त का खून किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलवीर पुलिस स्टेशन फोन कर दो। सूरज, नहीं सूरज, नहीं। मैं आपके पवित्र खून की कसम खाकर कहती हूं, मैं आपके कातिल का खून इसी मिट्टी में मिला दूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जो लोग तिरंगे झंडे को झुका देना चाहते हैं, तुमने उसे ऊंचा रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। बस इतना बता दो, कौन है वो गद्दार जो तिरंगे झंडे में लाल रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं? जग्गा, उसी ने आपके पति को जान से मार डाला, और जब उसे पता चला कि मैं पुलिस के लिए काम करता हूं तो मुझे उसने गोलियों से मार डाला। किरण जी, मरने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ मदन, कहो। किरण जी, मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसका दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप उसे लाकर अपने पास रख ले तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कैसी बात करते हो मदन, जब तुम देश के लिए अपनी जान हथेली पर रख सकते हो, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं रख सकती? मैं उसे जरूर लाऊंगी, जरूर लाऊंगी उसे। सामान मिल गया? माल तो मिल गया, और तू भी साले क्या क्या हथियार लेके आया है, गन्स, बारूद। अब इस देश को बर्बाद करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। खेले उसकी कीमत। ये माल तो मिल गया। सुना है तुम्हें मान आवाज ही बहुत अच्छी करते हैं। हेलो, मैं जग्गा बोल रहा हूँ। हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए एक देसी मुर्गी भेज दी जाए। ओके सर, अभी भिजवाता हूँ। स्कॉच, असली स्कॉच है, इस स्कॉच के साथ असली माल मांगता देसी मुर्गी। क्या बात
बात है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। लगता है भगवान ने तुम्हें बनाने के लिए भी ओवर टाइम किया होगा। मगर यहाँ नहीं। क्या बात सरदार, वाह वाह वाह, क्या चीज लाए हो। ये सब मुझे घुर घुर कर क्यों देख रहे हैं? ये सब भूखे भेड़िए हैं जो तुम्हारी जवानी का शिकार करना चाहते हैं। इससे पहले कि तुम्हें खा जाएं, तुम नजरों के तीर से इन्हें घायल कर दो। उसके बाद मैं रहूंगा। मेरा क्या, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी। ये सब तो शराब पीकर बेहोश हो गए, अब तुम हमें अपने हुस्न से बेहोश कर दो। मैं अभी आई। तुम? हाँ मैं। तुझे पकड़ने के लिए मुझे वो भेस बदलना पड़ा कमीने। रुक जाओ। भागता आ रहा था, अपने पैरों से मातृभूमि की मिट्टी को रौंद रहा था। तेरे जैसे देश के दुश्मन के लिए मौत की सजा भी कम है। कानून का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। क्या मैं कुछ दिन के लिए विदेश गया और किरण गुप्ता ने मेरे भाई को ही मार डाला? बॉस कहो तो किरण गुप्ता और उसके बेटे को अभी खत्म कर दें। क्या उसका बेटा भी है? हाँ बॉस, इकलौता है। हुक्म कीजिए आप। नहीं, मैं किरण गुप्ता को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखते जाओ मैं कैसे बदला लेता हूं। उस सांप के बच्चे को बीन बजा बजा कर ऐसे काबू करूंगा कि एक दिन पागल होकर वो अपने माँ को ही डस लेगा। मैंने आपका अधूरा कार्य पूरा किया है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दो काम रह गए हैं, उमेश को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना और मदन की बेटी को ढूंढ निकाल कर उसे सहारा देना। आशीर्वाद दो मुझे। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, क्या आप बता सकते हैं मदन का घर कहाँ है? हाँ जी यही है। वो उनकी बच्ची कहाँ है? कुछ गुंडे आए थे, उसे जबरदस्ती उठा के ले गए। गुंडे? तुझे शायद मालूम नहीं कि कल्लू दादा की बाल्टी को हाथ लगाने का क्या अंजाम होता है। कमीने, छोड़ दे मुझे, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घबराओ नहीं, अब वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। छोड़ दे मुझे। क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। कौन है बे? हमें शेर खान कहते हैं। तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, वरना तुम ऐसा नहीं करते। जिसे खुद की ताकत का अंदाजा नहीं, वो किसी और की ताकत का क्या अंदाजा रखे। लेकिन आज तुझे कफन पहनना पड़ेगा। शेर खान और कफन तो बहुत पुराने दोस्त हैं, अब तुम्हें चूड़ियां पहनना पड़ेंगी।
ले ये रही चूड़ियां, अपने साइज की ढूंढकर पहन लेना। हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। अभी अभी खबर मिली है, शांति दल पीस मिशन जो हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहा है उसे खत्म करने का देश के दुश्मनों का प्लान है। आर यू श्योर? थैंक यू। यस, मैं किरण गुप्ता बोल रही हूँ। यस सर। डोंट वरी सर, मैं खुद को मिटा दूंगी लेकिन देश पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। बल्लू तुमने आज तक हमारे लिए बहुत सारे खून किए हैं, आज एक खून और करना है। आप तो जानते हैं खून करना मेरे लिए खिलौने से खेलना होता है। गुड गड्डी रख लो। ये ट्रांसमीटर काम होते इसके जरिए मुझे फौरन खबर कर देना। प्लेन आने का वक्त हो गया है। ओके गुड लक। वेलकम टू इंडिया फॉर द पीस मिशन। हेलो हेलो हेलो, हाय, कम विद मी। डन मिसेज किरण गुप्ता। वन मिनट सर, ये देखिए ये था देश का दुश्मन। ओ आई सी, हमें तुम पर नाज है। खबरदार यहां से कोई हिलेगा नहीं। कल के नौजवानों को नशीली चीज पिलाकर देश को बर्बाद करते हो? चलो मेरे साथ। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। निकलो बाहर। अपनी बहू बेटियों को विदेशों में बेचकर उनकी इज्जत का व्यापार करने वाले कमीनों, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हेलो, मैं राका बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या सोने का ट्रक पकड़ा गया? किसने पकड़ा? इंस्पेक्टर किरण गुप्ता। हेलो, हाँ बोलो। क्या नशीली दवाई पकड़ी गई? किसने पकड़ी? ओह ये इंस्पेक्टर। क्या हो रहा है? हाँ बोलो बोलो जैसे मैं ही बोल रहा हूँ। बोलो जल्दी बोलो। क्या
सारी लड़कियां पकड़ी गई? किसने पकड़ी है? ओह माय गॉड, किरण गुप्ता। हेलो, मैं इंस्पेक्टर किरण गुप्ता बोल रही हूँ, बोलो कौन है? तुम्हारा बाप। सुना, ये देशभक्ति और वफादारी का चोला पहनकर तुम जिस रास्ते पर चल रही हो उसकी मंजिल मौत है इंस्पेक्टर किरण, सिर्फ मौत। कुत्ते, इस देश में पैदा होकर इसी देश से दुश्मनी? तेरे सब बुराई के अड्डे मैं खत्म कर चुकी हूँ, अब तुम भी कानून के हाथों से नहीं बच सकते। हेलो, राका कॉलिंग, राका कॉलिंग, राका कॉलिंग। यस सर। हाँ, देखो इंस्पेक्टर किरण गुप्ता बहुत लगन से काम करने वाली औरत है, बेचारी औरत जात है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, बहुत ऊपर जाना है उसे, जल्द से जल्द उसे ऊपर भेजने का इंतजाम करो। ओके सर। क्यों मिस्टर, तुम्हें दिखता नहीं है? मैडम, दिखता तुम्हें नहीं है, अच्छे खासे आदमी को उड़ा दिया। शट अप। भाग गए गुंडे कहीं के। क्या बात है अंकल, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बेटी, बहुत सालों से मैंने तुम्हारा एक राज अपने दिल में छुपा कर रखा था। कौन सा राज अंकल? बेटी, तेरे पिताजी जो मेरे जिगरी दोस्त और बहुत बड़े देशभक्त थे, इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने उनका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि सूरज सिंह के घर को तबाह करके तुम अपने पिताजी की मौत का बदला ले सको। पहले उसके बेटे को तबाह करना है, बाद में उसके घर में घुसकर उसकी बीवी को बर्बाद करना है। आप देखिएगा अंकल, मैं नागिन बनकर कैसे उस मां बेटे की जिंदगी में जहर घोलती हूं। सुनिए सुनिए, आप होश में तो हैं? हाय राम। राम नहीं उमेश, मगर ये अचानक आपको क्या हो गया था? सच कहूँ तो आजकल मैं डाइटिंग के लिए टैबलेट्स खा रही हूँ, बहुत देर तक स्विमिंग करती रही इसलिए चक्कर आ गया। मगर आप डाइटिंग क्यों करती हैं? आपका फिगर तो इतना अच्छा है। आपका नाम? अनिता। आप क्या काम करती हैं? मैं सिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ। कमाल है, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। जी मैं नया नया हूँ। कोई बात नहीं, हम आपको पुराना कर देंगे। अरे ये भी आ गए। हाय। ये मिस्टर प्रताप है और ये मिस्टर उमेश, आज ही दोस्त बने हैं। सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं या हमारे भी? आप दोनों का। चाय पिंग? नहीं यार, मैं कॉफी। यार प्रताप गजब हो गया। क्या बात है? कॉलेज के यूनियन के प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब भूल जाओ। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा, सच कह रहा हूँ। जो लड़का तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा है कॉलेज में, वो लड़का इस शहर के सबसे बड़े वकील का बेटा है और सारे लड़के लड़कियां उसकी तरफ हो गए। ओ, समझ में नहीं आता, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। प्रताप, तुम्हारे लिए रास्ता मैं निकालूंगा। अगर वो वकील का बेटा है तो मैं भी पुलिस इंस्पेक्टर किरण गुप्ता का बेटा हूं, तुम्हारी कैनवसिंग मैं करूंगा।
ये इलेक्शन तुम ही जीतोगे। शाबाश उमेश, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। अच्छा अब ये चाय बंद, शराब शुरू करते हैं। नहीं प्रताप, मुझे माफ करना, मैं शराब नहीं पीता। अच्छा तो मैं चलता हूँ, घर पे मम्मी इंतजार कर रही होंगी। ओके बाय बाय। उमेश आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो माँ बात यह है कि मैं बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए जरा सी। उमेश मैं तुमसे इतना कहूंगी, तुम बैडमिंटन खेलोगे तो तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर तुम कोई दूसरा खेल खेलने की कोशिश करोगे तो सिवाय हार के और कुछ नहीं मिलेगा, इतना जरूर याद रखना। ओफो माँ, जरा सी देर क्या हो गई और तुमने तो। चलो माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। चलो दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरी जीत हुई तो कोई भी दंगा फसाद में आप सबको मेरे डैडी की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, इसीलिए अपना वोट मुझे ही दीजिए। अरे उमेश मैं तो परेशान हो गया था, तुमने इतनी देर कैसे कर दी यार? क्या बताऊं यार, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था इसलिए जरा सी देर हो गई। ए मिस्टर, तुम क्या समझते थे कि तुम बच जाओगे? चलो एक्सीडेंट की जरूरत में पुलिस चौकी। hey, तमीज से बात करो, जानते नहीं मैं इंस्पेक्टर किरण गुप्ता का बेटा हूं। चलो जाओ यहां से और दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। अरे इंस्पेक्टर किरण गुप्ता का बेटा, अरे ये तो बड़ी काम की चीज है। चलो चलो चलो। दोस्तों जिसकी मैं कहूंगा उसी की जीत होनी चाहिए और वो है मिस्टर प्रताप। Cheers! आज की ये पार्टी प्रताप की जीत की खुशी में है। यार मेरी जीत तो सिर्फ उमेश की वजह से हुई। अरे तू आज भी नहीं पिएगा? नहीं यार प्रताप, मुझे माफ करना, मैं शराब नहीं पीता। खैर जैसी तेरी मर्जी, मुझे तो शराब का नशा बहुत पसंद है। हाँ तुझे कौन सा नशा पसंद है वो तो। Come in. इस तरह हैरानी से क्यों देख रहे हो तुम? और होटल में क्या रहे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। उसमें क्या है मैं समझाती हूँ मिस्टर उमेश, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसलिए दिन में कॉलेज जाती हूँ और रात को कैबरे करके चार पैसे कमाती हूँ। वैसे मेरा डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम भी कुछ कम नहीं हो। मगर तुमने तो कमाल कर दिया। अभी तुमने मेरा कमाल देखा ही कहाँ है। अच्छा इसका मतलब है तुम इससे भी ज्यादा कमाल दिखा सकती हो वक्त आने पर। अब इतनी रात को अकेले घर जाओगी? अगर घर तक तुम साथ दो तो अकेलापन दूर हो जाएगा। चलिए बंदा हाजिर है। अरे यार उमेश अभी तक नहीं आया। वो देखो सामने अनीता के साथ आ रहा है। अनीता तुम जाओ। मगर बात क्या है? मैंने कहा ना तुम जाओ। राजन रास्ता छोड़ दे। राजन रास्ते में आता है, रास्ता छोड़ता नहीं। देखो राजन इलेक्शन में तो हार जीत होती रहती है, ये झगड़ा किस बात का? इलेक्शन में तो तुम जीत गए मगर यहाँ तुम्हारी हार होगी, देखते क्या हो। ए सलमान दल के वजह से तो हार हुई है, मारो सबको। Thank you.
नमस्ते जी। नमस्ते, आप आइए बैठे, कहिए कैसे आना हुआ। बात यह है किरण जी कि आपका बेटा उमेश आपके इंस्पेक्टर होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। क्या कह रहे हैं? वो कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा गुंडागर्दी में इंटरेस्ट लेता है। कॉलेज के तमाम स्टाफ और स्टूडेंट्स का नाक में दम किया हुआ है उसने। अच्छा? मैं तो बहुत पहले उसको डेस्टिकेट करना चाहता था, लेकिन आपके बारे में सोचकर खामोश रह गया। किरण जी, अभी वक्त है, आप अपने बेटे को संभालिए वरना आपको पछताना पड़ेगा। चल बे, सुना नहीं क्या तुमने? चल अंदर। मैंने तो सुन लिया मगर तुम नहीं सुन सकोगे। धमकी देता है क्या? मैंने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया, समझे? धमकी नहीं, तुम्हें समझा रहा था कि थाना इंचार्ज किरण गुप्ता के बेटे को सुधारना कोई आसान काम नहीं है। अब किरण मैडम के बेटे अंदर आइए ना सर, अंदर आइए ना बेटे ना, प्लीज अंदर आइए, अंदर आइए, ठंडा लो। मम्मी आ? मम्मी नहीं, इंस्पेक्टर किरण गुप्ता कहो। मगर मम्मी। शट अप, ये कुर्सी सिर्फ कानून की रक्षा करने वालों की है, तुम जैसे गुंडों के लिए नहीं। हवालदार, इसे हवालात पर बंद कर दो। मम्मी, ले जाओ इसे। छिंडे। यस मैडम। क्या तुम ऐसी ड्यूटी करते हो कि कोई भी गुंडा आकर इस कुर्सी पर बैठ जाए? मगर मैडम ये तो आपके बकवास मत करो, कानून सबके लिए एक है, मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। चलो बेटी, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं जानता हूँ बेटी, उमेश के बिना तुम्हारा दिल नहीं लगता, लेकिन तुमने खुद ही तो उसे गिरफ्तार करवाया है। चाचा, गिरफ्तार उसे एक पुलिस ऑफिसर ने करवाया था, इस वक्त मैं एक माँ हूँ। उसे छुड़वा लो बेटी, हो सकता है अनजाने में वो कोई भूल कर बैठा हो। हाँ बेटी, मेरी बात मान लो। मिस्टर शिंदे। यस मैम। तुम इन्हें क्यों छोड़ रहे हो? शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन लोगों की जमानत दी है। ठहरो उमेश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे घर बार नहीं जाना है, अभी तो हवाला से निकला हूँ, जरा बाहर की हवा खाने दो। सुनो, एक बात याद रखो, तुम लोग देश की शान हो, देश के दुश्मन मत बनो। मातृभूमि की इज्जत तुम लोगों के हाथ में है। जब एक माँ अपने बेटे को बेइज्जत करके हवालात में बंद कर सकती है, उसके दुश्मन बन सकती है, तो एक बेटा अपनी मां और अपनी मातृभूमि दोनों का दुश्मन बन सकता है। मैं जा रहा हूं। मिस्टर शिंदे। यस मैम। उस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम क्या है? मिस्टर राकेश वर्मा। राकेश वर्मा? अरे उमेश, तुम्हें अपनी मां पे बहुत भरोसा था, लेकिन उसी ने तुम्हें बंद कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि प्रताप के चाचा ने हमें छुड़वा दिया, उमेश के भरोसे होते तो हवालात में ही अंदर रहते। बंद करो बकवास, मुझे क्या मालूम था, मैं तो समझता था कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे छोड़ यार, तू एक लाज पैक बना दे। लो यार। हाँ भाई, उमेश तो पिएगा नहीं, इसलिए मैं कहता कि मैं नहीं पीऊंगा, आज मैं पीऊंगा, जी भर के पीऊंगा। ये हुई ना मर्द वाली बात है। और डालो इसमें। हाँ डाल दे, और डालो इसमें, आज मैं जी भर के पीऊंगा, आज देखता मुझे कौन रोकता है। बहुत पीऊंगा मैं। तुम क्यों पियोगे? मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। तुम पिलाओगी? अगर तुम पिलाओगी तो मैं सारी रात पीऊंगा। माँ से डर नहीं लगता? अरे कौन सा डर, कौन सी माँ, मुझे किसी से डर वर नहीं लगता। मैं देखना चाहता हूं मेरी मां मेरा क्या बिगाड़ सकती है। कुछ ज्यादा पी ली थी इसलिए बेहोश हो गए हैं। यहां ले आओ उसे। लड़की, तुम तो होश में थी, इतनी रात गए एक शराबी के साथ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या माँ बाप के प्यार का यही अंजाम है? माँ बाप का प्यार मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अगर तुम ये जानती हो तो इस तरह इतनी रात को एक शराबी के साथ नहीं आती।
कल तुम्हें बहू बनकर किसी के घर जाना है। मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, पहले अपने बेटे को संभालिए। मुझे कहाँ जाना है, किस घर की बहू बनना है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गुड नाइट। आप इंस्पेक्टर किरण गुप्ता और हमारे घर में? क्यों, मुझे देखकर चौंक गए या डर गए? हर शरीफ आदमी पुलिस से तो डरता ही है ना। अच्छा, तो आप शरीफ हैं? बेशक, बिजनेसमैन हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ। यानी कि दौलतमंद शरीफ होते हैं और जितने गरीब वो बदमाश होते हैं। आपके आने का मतलब? पुलिस के आने का मतलब खतरा, और जाने का मतलब भी खतरा होता है। हमें तो खतरों से खेलने का बड़ा शौक है। वैसे आप क्या क्या शौक रखती हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है शतरंज खेलने का शौक भी? मुझे तो सिर्फ देश के दुश्मनों के साथ खेलने का शौक है। आपका शौक जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे शतरंज का खेल भी बुरा नहीं, राजा महाराजा खेलते थे। राजा महाराजाओं का खेल तो खत्म हो गया, अब तो ये खेल डाकू लोग भी खेलने लगे हैं। हाँ, लेकिन उनके खेलने का अंदाज कुछ और होता है। वो बाजी कभी हारते नहीं, क्योंकि उनकी चाल बहुत गहरी होती है। और फिर आजकल के दुश्मन तो लोगों को ऐसी जगह मारते हैं, ऐसी जगह मारते हैं कि जहाँ ओढ़ने के लिए कफन और जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिलती। मैंने मौत का नाम अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है। रही बात कफन और लकड़ी की, ये वर्दी हमारा कफन है और ये डंडा हमारी चिता के लिए काफी है। इसका मतलब है मौत का सामान आप हमेशा साथ रखती है? सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी रखती हूँ। आपको अपनी इस वर्दी का बड़ा घमंड है? क्यों नहीं, ये वर्दी देश की शान है। मगर ऐसी वर्दियाँ हमने बहुत खरीदी है। मगर ये वर्दी खरीदने का सपना मत देखना, वरना सपना देखने के लिए भी जिंदा नहीं रहोगे। इंस्पेक्टर किरण गुप्ता, आप किस बात की धमकियाँ दे रही है? धमकी नहीं, समझाने आई है। क्या? जो लड़के देश के भविष्य हैं, उन्हें खराब मत करो। हमने किनका भविष्य खराब किया? जिनकी जमानत आपने दी है। वो तो आजाद देश के आजाद लड़के हैं, उनको हवालात में बंद करना जुल्म है। जब बच्चा गलती करता है तो माँ उसे सजा देती है, जिसे जुल्म नहीं कहते हैं। आप तो ऐसी बात कर रही है किरण गुप्ता, जैसे देश के खून के साथ आपके खून का गहरा ताल्लुक है। आपने ठीक कहा, उन लड़कों में मेरा अपना खून भी शामिल है, मेरा बेटा। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? जब हमने आपके बेटे की जमानत दी है तो आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? मिस्टर राकेश, आपका शुक्रिया इसलिए अदा करूं कि आपने गुंडागर्दी करने वाले मेरे बेटे की जमानत दी है। इसलिए शुक्रिया अदा करूं कि वो शराब पीकर अपने घर को भूल गया। इसलिए आपका शुक्रिया अदा करूं कि अपने घर आने के लिए उसे एक लड़की का सहारा लेना पड़ा। मिस्टर राकेश, आइंदा मेरे बेटे की जिंदगी में झांक कर देखने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा कर दूंगी, समझे? नमस्ते मैडम। कहिए, क्या बात है? मैडम, शेर खान नाम का एक मशहूर गुंडा है जिसे सभी कामते हैं, और वो किसी को दिवाली नहीं मनाने देता मैडम। कैसा आदमी है, मैं देखती हूँ शेर खान को। इस अंधेरे घर में हमें कौन आवाज दे रहा है? पुलिस स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर किरण गुप्ता, हमें रिपोर्ट मिली है कि इस दिवाली की रात को तुमने सारे मोहल्ले का सुख चैन खराब कर दिया है, दिए कंदिले तोड़ दिए हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब हमसे मत मांगो इंस्पेक्टर। एक पुलिस ऑफिसर तुमसे पूछ रही है, तुम्हें जवाब देना ही होगा। लो,
सुनो, ये उस वक्त की बात है जब शेर खान एक सीधा सादा शरीफ इंसान था, एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर। ओ भैया, हमेशा की तरह आज भी खाना ले जाना भूल जा रहे हो? ओ शुक्र है अल्लाह का, एक बहन तो दी है, नहीं तो पगली कौन याद दिलाता और कौन पूछता। अगर मैं न रही तो? अरे पगली, जब तक ये खान जिंदा है तब तक किसकी हिम्मत है कि उसकी बहन को उसे छीन सके? मौत में भी इतनी ताकत नहीं है कि हमसे टक्कर ले सके। अच्छा, खुदा हाफिज। कब्रिस्तान चलोगे? अच्छा उस्ताद, चलो बैठो। पता नहीं टैक्सी कैसी चलाता है। तू इसका ध्यान रख, बहुत कीमती चीज है। तू इसकी फिक्र मत कर यार, मुझे तुझसे ज्यादा बॉस का डर है। ये तुम हमें कहां ले आए? ये खबरिस्तान है, खबरिस्तान जहां मुर्दों को इंसान बनाया जाता है। जब हम बाप की उंगली पकड़कर स्कूल जाया करते थे तो इसी किस्म के चाकू से अपनी कलम तराशा करते थे। क्या माल और हमारे साथ ही पुलिस स्टेशन में पकड़े गए? किसने किया ये सब? शेर खान ने बॉस। शेर खान? कौन शेर खान? पुरानी बस्ती में रहता है, जात से मुसलमान है और पेशे से टैक्सी ड्राइवर, मगर उसने एक हिंदू बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है जो कि उसकी मुंह बोली बहन कमला है, और सरकार जिसे वो अपनी जान से बढ़कर चाहता है। आज दिवाली है, हम शेर खान की उस मुंह बोली बहन के साथ मुंह काला करेंगे। अरे पंडित, एक किलो पेड़े और दे दे। शेर खान, कितनी मिठाइयां और? अरे भाई क्या करे, अपनी बहन को पेड़े भी तो अच्छे लगते हैं। वाह शेर खान, तेरे लिए क्या ईद क्या दिवाली, सब बराबर हैं। कितना प्यार करता है तू अपनी मुंह बोली बहन से। पंडित, ले दे के हमारी एक ही तो बहन है, उसी के लिए हमारा जीना भी और मरना भी। भैया, तुम मुसलमान और वो हिंदू, फिर भी कितना प्यार है तुम दोनों में। अगर सारे इंसान तुम्हारे जैसे हो जाएं तो इस दुनिया में धर्म और जात पात का भेदभाव ही खत्म हो जाए। पंडित, बापू ने कहा है ना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। अच्छा पंडित, खुदा हाफिज। आ गए अपने घरों से झापड़े में कहा। कमला, कमला देख देख, मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। साड़ी तुझे अच्छी लगती है ना जौन सी? देखे लड्डू, ये मिठाई के सब कहाँ है तू? कमला, कमला, क्या किया? कमला, ये किस शैतान का काम है? कमला, तूने अपनी जान अपने हाथों से ले ली। कमला, 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 मैं तेरे लिए दिवाली की मिठाई लाया हूं पगली। कमला देख देख, तुझे पेड़े अच्छे लगते थे ना? मुंह खोल, अब तू कहां मुंह खोलेगी कमला? ये देख, तेरे लिए दिवाली की साड़ी पहनी भी तो खून के रंग में। कमला, कमला, अब मुझे कौन आवाज देगा, कौन देगा? भैया रोटी का डब्बा भूल गए। कमला, 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 मैं उस खुदा के बाद तेरे इस मुर्दा बदन की कसम खाता हूं कि जिस शैतान ने तुझे ये किया है, मैं शहर के कई ईंट टटोलूंगा, एक एक गली छान मारूंगा और उसे ढूंढ के
जब तक उसका एक एक टुकड़ा नहीं कर दूंगा, मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी। कमला कमला कमला, बंद करो दिवाली, बंद करो पटाखे, बंद करो बंद करो बंद करो। दिवाली की वो रात मेरे लिए अंधेरे में बदल गई। मेरी जिंदगी में एक ना खत्म होने वाला अंधेरा छा गया। जब मगहट से नफरत हो गई मुझे, उस रात के साथ साथ एक शरीफ शेर खान भी बदलता गया। उन कातिलों की मुझे आज तक तलाश है। एक दिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और वो दिन खुदा पाक की कसम उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिरी शेर खान, ऐसी ही एक दिवाली की रात थी जब मेरी मांग में भरा हुआ सिंदूर मिटा दिया गया। लोग बाहर दिवाली मना रहे थे और मैं अपने पति की लाश के पास बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने किसी से गिला शिकवा नहीं किया। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है शेर खान, लेकिन अपने गम में दूसरों की खुशी को छीनना कहां का इंसाफ है? अपने गम में दूसरों को शामिल मत करो, उन्हें अपनी खुशियां मनाने दो शेर खान, खुशियां मनाने दो उन्हें। क्या बात है, ये सब कैसे हुआ? मैम साहब, कल ये लोग शराब पीकर आए थे, सब खत्म हो गए। बस्ती में पहले भी कई लोग मर चुके हैं। इन सब ने शराब कहाँ पी थी? कुंदन के अड्डे पर। कुंदन के अड्डे पर हमने कई बार छापा डाला मगर वहाँ कोई सबूत ही नहीं मिलता। पुलिस के सामने कोई भी अपराधी सबूत नहीं देता, उसके लिए दूसरा रास्ता। खबरदार, अपनी जगह से हिला तो। मैं इंस्पेक्टर किरण गुप्ता हूँ। तो तुम हो इंस्पेक्टर किरण गुप्ता? जिंदगी के इस बाजार में तेरा मौत का व्यापार खत्म हुआ कुंदन। गंदे नाले और गटर से बनी शराब पिलाकर न जाने तुमने कितने बेगुनाह लोगों का खून कर दिया। अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये क्या, बार पे ताला? जी, पुलिस ने छापा मारा था और कुंदन को इंस्पेक्टर किरण गुप्ता पकड़ कर ले गई। इंस्पेक्टर किरण गुप्ता? शेर खान, रास्ते से हट जाओ। शेर सामने आकर कभी नहीं हटता, बल्कि दूसरों को दुम दबाकर भाग जाना पड़ता है। जब भूचाल आता है तो शेर क्या, बड़ी बड़ी चट्टानें भी हिल जाती हैं। तुम तो एक इंसान हो। शेर खान आसमान की तरह है, जब भूचाल आता है तो धरती हिलती है, आसमान नहीं हिलता। लेकिन कभी कभी आसमान पर काले बादल भी छा जाते हैं। अफसोस कि आसमान फिर भी बादलों से ऊंचा रहता है और बादल उसे छू नहीं सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ एक चीज, कुंदन। कुंदन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता और शेर खान? शेर खान किसे रिश्ता नहीं किया करता, सिर्फ मेहरबानी करता है बड़े लोगों से हफ्ता लेकर, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो।
कुंदन को छोड़ दीजिए, हम आपका रास्ता छोड़ देंगे। अच्छा तो चलो मेरे साथ। शमशान भूमि, ये कहाँ ले आप हमें इंस्पेक्टर? मैं तुम्हें कुंदन का दूसरा बिजनेस दिखाने लाई हूँ, लोगों को जहरीली शराब पिलाकर जान लेने का बिजनेस। एक बिजनेस का हफ्ता तो तुम लेते हो, क्या इसका हफ्ता नहीं लोगे शेर खान? आप होश में बात कर रही हैं इंस्पेक्टर साहिबा? होश में आने की तुम्हें जरूरत है शेर खान। कुंदन जहरीली शराब बेचता है जिसमें से कुछ पाप की कमाई तुम्हें देता था। नोट तो तुम्हें बहुत गिने होंगे लेकिन आज चिताएं भी गिन लो। ये रामदीन की चिता है जो मिल में एक मामूली नौकर था। इसकी एक जवान बेटी जो शादी के लायक है, उसे अब मांग में सिंदूर की बजाय अपने बाप की चिता की राख भरनी पड़ेगी। ये कुंदन की जहरीली शराब का शिकार हो गया। नहीं नहीं, अब नहीं, हमको क्या मालूम इंस्पेक्टर। ये भगवान लाल की चिता है जिसके घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में किताब की बजाय आज उन्हें पेट के लिए बोझ उठाना पड़ेगा। ये भी कुंदन की जहरीली शराब का शिकार हो गया। और वो है गोपी। बस करो इंस्पेक्टर, बस करो, बस करो, बस करो। क्यों इतनी जल्दी डर गए? घबराओ मत, यहाँ लोगों की आत्माएं जरूर भटक रही हैं लेकिन वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, बार बार एक ही पुकार कर रही होंगी कि कुंदन ने हमें चंद रुपयों की खातिर जहरीली शराब क्यों पिलाई, क्यों पिलाई। ये सब देखने के बावजूद भी अगर तुम्हें कुंदन चाहिए तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें। खबरों तुमने अपन का गाली दे रहे? अरे हम तो तुमको पहचानता तक नहीं, तुम कौन है? इस पकास दरों को नहीं जानता? अबे लालबाग बांद्रा दादा रागड़ी पर ना पड़ा भेंडी बाजार यहाँ तक पिलाउस। अरे पुलिस स्टेशन में अपन का फोटो लगे लाए और फोटो के नीचे बड़ा नाम लिखे लाए पकास दादा, अभी जान जाएंगे, नारा करवा लेगा। चल जल्दी से चंदा निकाल। किस बात का चंदा? ईद गई, दिवाली गई, गणपति गया, गोविंदा गया, मैं पूछता हूँ किस बात का चंदा? क्यों बे साले, उल्टा जवाब देता है क्या? तुझे मालूम नहीं आज हमारे दादा की मौत का दिन है? अरे गोविंदा के दिन हांडी तोड़ते हुए गिर के मर गया था, उसी का अपन चंदा जमा कर रहा है। इधर पैसा निकाल वरना खोपड़ी है ना फोड़ के रख दूंगा। गोविंदा के दिन मर गया था तो उसी दिन उसका मौत का दिन था, आज क्या है? अबे जवान चला दे, अबे शेखन, तुम्हारा अपना मिल जाएगा शेखन। अबे मच्छर, हमने हफ्ता लेना छोड़ दिया है, अब तुम जैसे बदमाश हफ्ता लेने वालों को जहन्नुम रसीद किया जाएगा। तुम्हें हफ्ता भी तो देना है। तुमने सुना नहीं हमने हफ्ता लेना बंद कर दिया है? शेर खान, गरीबों के आने हम पर मरहम का काम किया, उनके आंसू ने हमारे जख्म को धोकर साफ कर दिया,
और साथ ही साथ हमारा दिल शीशे की तरह चमक उठा। खुदा हाफिज सेठ। ये कैसा करिश्मा है खुदा जो बुरे इंसान को अच्छा बना देता है और अच्छे इंसान को बुराई के रास्ते पर डाल देता है। चाचा ये मेरा जानी दोस्त उमेश, इंस्पेक्टर किरण गुप्ता का बेटा। हेलो। अरे चेहरे पर ये उदासी क्यों? एग्जाम में फेल हो गया ना इसलिए। कमाल है। अरे ये पढ़ाई लिखाई किस लिए है? किस लिए? दौलत हासिल करने के लिए ना। ये देखो तुम्हारी जिंदगी भी इसी तरह चमक सकती है, सिर्फ दिल बड़ा होना चाहिए। दिल तो बहुत बड़ा है। जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए दौलत की गाड़ी बहुत जरूरी है, वरना पीछे रह जाओगे। मैं पीछे रहने वालों में से नहीं हूँ। शाबाश। शाबाश। ये लो हमारी दोस्ती का पहला जाम। मगर दौलत कमाने का रास्ता क्या है? रास्ता? रास्ता डकैती, लूटमार। डकैती? कल सवेरे रेस कोर्स में बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है, अगर उस काम में तुम हमारा साथ दो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कीजिएगा, आपको पहले कभी देखा नहीं। देखोगे कैसे? मैं दिल्ली से खास तौर पे आया हूं, स्पेशल ब्रांच। सर सीबीआई ऑफिसर मिस्टर डिसूजा। मुझे कलेक्शन विंडो चेक करनी है। आइए सर, आप यहीं ड्यूटी कीजिए, मैं सर को ले जाता हूं। ओके। चलिए सर। बड़े स्मार्ट लगते हो, मैं जरूर तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। गाड़ी में बैठो। लूट के बर्बाद हो गए साहब, वो सारा माल लूट के लेके डाकू थे। पता चल गया है कि यहाँ कोई चोर भीर घुस गया। यहाँ कोई चोर नहीं घुसा है। अच्छा, अभी तक नहीं घुसे तो वो फिर कभी भी घुस सकते हैं।
घुस सकते हैं? हाँ घुस गया है। हाँ पागल औरत, असली और नकली पुलिस का तुझे पता नहीं चलता? नकली पुलिस? चुप, देखो तुम दोनों को पुलिस ने चरम तरफ से घेरा हुआ है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं 3 तक गिनूंगा। अरे मेहनत की कमाई है, इतनी जल्दी थोड़े ही छोड़ेंगे। 1 चल, 2 ठहरो। अब हम 3 तक गिनेंगे और अगर पुलिस पीछे नहीं हटी तो इस औरत की जान चली जाएगी। 1 2 रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। नीचे अब आई ना बात समझ में? व्हाट इज दिस मिस्टर शिंदे? दिन दहाड़े रेस कोर्स में डकैती और आप लोग क्या कर रहे थे? मैडम बात ये कि वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ उन मुजरिमों को और उनके माल को पकड़ना चाहती हूँ, समझे? मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। क्या बात है देश पांडे? दोपहर से शाम हो गई है, दो बदमाश रेस कोर्स का माल लेकर ऊपर छुपे हुए हैं। अगर हमने गोली चलाई तो एक निर्दोष औरत को मार डालेंगे। मैं देखती हूँ। किरण गुप्ता का घर है, कोई बियर बार नहीं। जब जी चाहे कोई भी बाजारू औरत यहाँ आ जाए। मम्मी ये कोई बाजारू औरत नहीं है, इस घर की होने वाली बहू है। बहू? जो लड़की शराब छूती है वो मेरे पाँव नहीं छू सकती। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? लोग चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं आपका पैर कैसे छू सकती हूँ? कुछ पुरानी बातें आज भी हैं। घर घर में बिजली आ गई है लेकिन लोग आज भी भगवान के सामने दिए जलाते हैं। मगर मैं दिए जलाने वाली नहीं, दिए भड़काने वाली हूँ। फिर कभी कदम मत रखना मेरे घर में। आप भी एक बात याद रखिए, मैं बहुत जल्द इस घर में बहू बनकर आने वाली हूँ। अनीता, क्या बात है उमेश, इतना परेशान क्यों? अनीता मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात के लिए? कल जो मेरे घर में मेरी माँ ने तुम्हारे साथ सलूक किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। वो बात तुम्हें भूल गई थी। अनीता तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, मगर इस दिल में तुम ही तुम समाये हो। आई लव यू अनीता, आई लव यू वेरी मच। मंदिर के लिए चंदा चाहिए था ना? मगर मंदिर बनना वहाँ बहुत मुश्किल है। क्यों? बस्ती के मुसलमान लोग वहाँ मस्जिद बनाना चाहते हैं। राम 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 राम। हमारे हिंदू लोग इतने कमजोर हो गए कि भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। नहीं कोई ऐसी बात तो फिर क्या बात है? देखो वहाँ किसी हालत में मंदिर बनना ही चाहिए, अगर कोई रुकावट करे तो खून की नदियाँ बहा दो। आखिर देवी माँ के मंदिर के लिए बलि तो चढ़ानी पड़ती है ना, समझ गए? अनवर ये लो पैसे,
मुल्तानी बस्ती में किसी भी हालत में मस्जिद बननी ही चाहिए। लेकिन वहाँ के हिंदू लोग मंदिर बनाना चाह रहे हैं। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो। हिंदुओं को अपना धर्म प्यारा है, क्या तुम्हें अपने मजहब से प्यार नहीं? बहुत प्यार है अपने मजहब से। तो फिर मजहब खतरे में है, मजहब खतरे में है। बहादो खून की नदियां, अरे कुर्बानी देने से आजादी मिलती है, समझे? जाओ। क्या ताकत है विदेशी दौलत में, अब तो हम इस मुल्क को तबाह करके ही छोड़ेंगे। यहाँ मंदिर बनेगा, वो भी देवी माता का। दुनिया चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। यहाँ हर हालत में मस्जिद बनेगी, चाहे कत्ले आम हो जाए, चाहे खून की नदियाँ बह जाए। अनीता, अब तुम जल्दी उमेश से शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो निकल जाए और तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओ। अंकल, अनीता हाथ नहीं मलती, हाथ पकड़ती है। कल कवाली कंपटीशन है, देख लेना मेरी जवानी कैसे उमेश को कैद करती है। लड़की हूं और कोई भी लड़की शादी से पहले वो सब नहीं कर सकती जो तुम करना चाहते हो। इसका मतलब तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? तुम पर तो भरोसा है, पर मैं डरती हूँ कहीं तुम्हारी मम्मी हमारे प्यार के बीच में दीवार ना बन जाए। मैं ऐसी हर दीवार तोड़ दूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना अनीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शादी करनी है। तो ठीक है, हम कल ही शादी कर लेंगे। उमेश, ये क्या? हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली। क्या शादी कर ले? तुमने मुझे बताया तक नहीं। माँ, मैंने शादी ही की है, किसी का खून तो नहीं किया है। तुमने मेरे अरमानों का खून किया है। कितने अरमान थे मेरे कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो। उमेश, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलो, आखिर हम लोग कोई भिखारी तो नहीं। मैं इस घर की बहू हूँ। ठहरो लड़की, आज से मैं भिखारी हूँ। मैं भगवान से तुम दोनों की खुशी की भीख मांगती हूँ। तुम जीत गए, मैं हार गई। तुम कैसे भी हो, आज से इस घर की बहू हो। अंदर। जल्दी से सारा हथियार गाड़ी में डाल दो, चलो चलो पेटी रखो। हेलो। हेलो जैकी। यस बॉस। कोई खतरा तो नहीं? नहीं बॉस, खतरे की कोई बात नहीं। क्या हुआ यार? जैकी, तू तो जवान का सच्चा है, पुलिस को तो बेवकूफ बनाया, लेकिन सचमुच गाड़ी खराब हो गई। उतर के देख। अरे शेर खान, तुम हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हो, खून खराबा फैलाने के लिए अपनी धरती माँ के सिर में छुरा घोंप रहे हो, उसकी सजा मौत। पहले तू अपने आप को मौत से बचा। Thank you.
के जाओ, इन देश के दुश्मनों को ले जाओ। शेर खान, आज तुम्हारी वजह से हथियारों से भरी वैन पकड़ी गई। अगर ये हथियार सप्लाई हो जाते तो न जाने देश में कितनी तबाही फैल जाती। हम भी आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान किस बात का? किसी की जान बचाना पुलिस का फर्ज बनता है। हम एहसान इस बात का नहीं मान रहे कि आपने हमारी जान बचाई, एहसान इस बात का मान रहे हैं कि आपने शेर खान को पीठ पर वार खाकर मरने से बचाया। शेर खान जब कभी भी वार से मरेगा तो सीने पर झेल कर मरेगा। शमशान घाट पर उस दिन ले जाकर आपने हमें बता दिया कि बुरे कामों का कैसा बुरा नतीजा होता है। उस दिन से हमने फैसला कर लिया है कि हम अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में एक हमारी बात मान लीजिए। कहो। पर सही है, यानी आज से एक दिन बाद आप जरूर आइएगा। अगर आप ना आए तो हमारी ईद अधूरी रह जाएगी। जरूर आऊंगी। शेर खान, शेर खान, हाय कौन है शेर खान? वही बॉस जिसकी बहन के साथ आपने दिवाली की रात को, वैसे शेर खान को आज तक उस आदमी की तलाश है। अच्छा, तो मुझे उस कमीने लौंडे का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आप कौन है और किस लिए आए? हमारा नाम राका है, राका। आप जैसा हीरा इस कीचड़ में फंसा हुआ है, हम उसे निकालने आए हैं। हीरे कोयले और कीचड़ की बात तो हम भी समझते हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं जरा साफ साफ कहिए। आपने हमारा 50 लाख का नुकसान किया है, नहीं समझे? उस दिन हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस ने रेड डाली, उसके मालिक है हम। अच्छा, तो आप देश को बेचने का धंधा करते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दोस्ती का हाथ मांगने आया है देश के दुश्मन हराम जादे? शांति 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 शांति, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे। तुम्हारी एक उम्मीद तो जरूर पूरी की जाएगी। सरकार को अब तक फैक्ट्री का मालिक कौन है ये नहीं पता था, अब वो भी पता चल जाएगा। शेर खान, सबूत के बिना सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो ट्रक, वो गोडाउन जिन आदमियों के नाम पर है, वो अगर पकड़े भी गए तो भी अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। जबान तो तुमसे हम अभी खुलवा लेते, लेकिन तुम हमारे घर आए मेहमान हो और मेहमान पर हम हाथ नहीं उठाते। अगर यही सौदा करने तुमने हमें अपने आलीशान घर बुलाया होता तो हम वही कब्र बनाकर तुम्हें दफना देते और तुम्हारा घर तुम्हारा ही कब्रिस्तान बन जाता। शेर खान, इसीलिए यहाँ से फौरन निकल जाओ। अनीता, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? कैबरे करके आ रही हूँ। कैबरे? उमेश ने आपको बताया नहीं? तुम इस घर की बहू हो, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। तुम्हारी इज्जत के लिए ही कर रही हूँ। कैबरे की कमाई से घर में वीडियो आएगा, कार आएगी। हाँ, अगर तुम मुझे सब ला कर दे दो तो मैं ये सब छोड़ दूंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें ये सब नहीं दे सकती। तुम सब कुछ दे सकती हो, सिर्फ रिश्वत लेना शुरू कर दो। अरे वाह, मेरी असली बोतल तो अब आई है। अनीता, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने सिर्फ मेरी खूबसूरती देखी है, कभी मेरी तरफ गौर से देखा है? अरे कैसे भी देखो, तुम्हें तो कोई कमी है ही नहीं। औरत की खूबसूरती उसके गहनों से होती है, लेकिन मेरे पास है क्या?
अरे औरत का सबसे बड़ा गहना होता है उसका पति। छोड़ो इन बातों को, मालूम है कल कौन सा दिन है? अरे हाँ, कल तो मेरी रानी का जन्मदिन है। मैं एडवांस में ये जन्मदिन मुबारक करता हूँ। जन्मदिन मुबारक तभी होगा जब मुझे वो डायमंड का नेकलेस मिलेगा जो हमने उस दिन देखा था। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नेकलेस तुम्हें। हाँ बोलो अनीता। हाँ, कोई ताजी खबर? काम हो गया है, वो तुम्हारे पास आ रहा है। हाय उमेश, अरे आज कैसे आना हुआ यार? यार प्रताप, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। 5 लाख रुपए की क्या बात है यार, तेरे लिए जान हाजिर है। वो तो मुझे भी मालूम है, मगर मुझे पैसे आज ही चाहिए। ऐसी कौन सी बात है यार, जरा हमें भी तो बताओ। प्रताप, आज अनीता का जन्मदिन है, मुझे हर हालत में उसे डायमंड नेकलेस देना है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कमाल है यार, मेरी इज्जत का सवाल है और तुम हंस रहे हो? पैसे दे के डायमंड नेकलेस शरीफ लोग खरीदते हैं, अरे हम जैसे तो उड़ाते हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार, आइए। सेठ जी, हम लोग इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन के नुमाइंदे हैं। और आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। सेठ जी, हम लोग आपकी और आपकी ज्वेलरी की कुछ तस्वीरें खींचना चाहते हैं जो हमारी एग्जीबिशन में दिखाई जाएंगी, और जिसकी वजह से आपकी ज्वेलरी की कीमत दुगनी हो जाएगी और इससे आपका कारोबार और बढ़ जाएगा। सेठ जी। हाँ सेठ जी। क्या कारोबार बढ़ेगा? हाँ सेठ जी। तो ले लो भाया तस्वीर। सेठ जी, इन सब चीजों की तस्वीरें तो हमने ले ली, अब कोई ऐसी चीज दिखाइए जो बहुत ही कीमती हो, बहुत ही अच्छी हो, जिसकी तस्वीर एग्जीबिशन में लगते ही उसकी कीमत दुगनी हो जाए। अभी दिखाता हूँ भाया, अभी दिखाता हूँ। ये लो, इस दुकान का सबसे नायाब तोहफा है। वाह, यही तो चाहिए था सेठ जी। वाह, मजा आ गया। सेठ जी, एक तस्वीर आपकी, खूबसूरत नेकलेस आपकी तस्वीर लगी। वाह, क्या बोली, सूरत है। वाह 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 वाह, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं हार लेके भाग रही है। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। मर गया, मेरा सब कुछ लूट गया साहब। क्या कोई मर गया जो इस तरह रो रहे हो? मिस्टर शिंदे, ये किस लिए रो रहे हैं? मैडम, इनके 10 लाख रुपए का हार चोरी हो गया है, मैंने इनकी रिपोर्ट लिख ली है।
आप उस गुंडे को पहचानते हैं? अगर उसे पहचानता तो यहाँ क्यों आता? मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए, हम उस गुंडे को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको आपका हार जरूर मिल जाएगा। कैसा लगा? जितनी खूबसूरत तू है उतना ही खूबसूरत तेरा हार है। मगर ये तो बता, ये लेकर कौन आया? उमेश के सिवा कौन ला सकता है? इस हार पे तो मेरा दिल ही आ गया, कहाँ से उड़ाया है? हाँ, आप लोग ठीक कह रही हैं। ये हार सचमुच चोरी का है। मिसेस अनीता, क्या आप बता सकती हैं ये हार कहाँ से खरीदा गया? फालतू सवालों का जवाब देना मैं पसंद नहीं करती। इसका जवाब तुम्हें तुम्हारा बेटा देगा। क्या जवाब चाहिए? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था। दोस्त ने नहीं, तुमने एक डाका डाला है, चोरी की है। यू आर अंडर अरेस्ट। उमेश, उमेश रुक जाओ, रुक जाओ उमेश। मुझे क्या मालूम था मैंने एक चोर से शादी की है? मैंने तो सोचा था इंस्पेक्टर का बेटा है, अच्छा ही होगा। एक चोर की बीवी कहलाने से तो अच्छा है मैं ये घर ही छोड़कर चली जाऊँ। ठहरो, तुम चोर की बीवी से पहले इस घर की बहू हो, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। जा कौन रहा है? अब तो तुम्हें यहाँ से बर्बाद करके ही जाऊंगी। ओ, मिस्टर राकेश, तुम कहिए, आपका कैसे आना हुआ? हाँ, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। तोहफा? साफ साफ कहो, मैं समझी नहीं। देखिए ना किरण गुप्ता, अब एक देशभक्त पुलिस ऑफिसर है, इस देश और कानून की सच्ची रक्षक है आप, और इसी कानून की हिफाजत के लिए आपने कभी अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। तभी तो पुलिस डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, कुछ खास लोगों की गिरफ्तारी के लिए। इसलिए हमने भी सोचा कि इस इनाम की असली हकदार सिर्फ आप ही हैं। मिस्टर राकेश, तुमने क्या सोच लिया? कागज के इन चंद टुकड़ों से तुम मेरा ईमान, धर्म, देश के लिए मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज, ये सब खरीद सकते हो? वैसे इंस्पेक्टर किरण गुप्ता, इतनी बड़ी दौलत जिंदगी भर नौकरी करने के बाद भी हुकूमत आपको नहीं दे सकती। शट अप, उठाओ इसे और दफा हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि रिश्वत देने के जुर्म में किसी जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओ। किरण गुप्ता, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही है, कानून हमेशा हमारा दोस्त रहा है, दुश्मन नहीं। और आप जेल जाने की बात कर रही हैं? मिस्टर राकेश, कह देना अपने ऊपर वालों से कि किरण गुप्ता मुजरिमों और जुर्म के लिए कानून की वो मजबूत दीवार है जिसे साथ जन्म लेने पर भी कोई गिरा नहीं सकता। ऐसी सौदेबाजी करने की कोशिश की फिर से तो बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है इंस्पेक्टर किरण, ये तो वक्त ही बतलाएगा कि ये सौदेबाजी किसे महंगी पड़ेगी, आपको या हमें। चलो। तुम फिर चले आए शेर खान के झोंपड़े पर? हाँ, तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। सौदा? हाँ। कैसा सौदा? इंस्पेक्टर किरण गुप्ता की मौत का सौदा। पहले तो मैं तुम्हारी मौत करूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। जान? भैरव, मेरे मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी बहन के कातिल का नाम कौन बताएगा? मेरी बहन के कातिल का नाम? हाँ। तो क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो फिर बताओ उस कातिल का नाम। ऐसे नहीं, राका का उसूल है इस हाथ लो और उस हाथ दो। हमें किरण गुप्ता की मौत चाहिए, तुम्हें उस आदमी का नाम चाहिए, फैसला तुम्हारे हाथ है। अब इस वक्त अनीता अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए जहरीली नागिन बन चुकी है। किरण गुप्ता के बेटे में तो उसने जहर छोड़ ही दिया है, मौका मिलते ही वो किरण गुप्ता को भी डस लेगी। मगर अनीता को क्या मालूम कि उसके बाप की मौत मेरे डैडी ने की।
बेचारा उमेश का बाप तो देशभक्त था। आज उमेश की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। मैं तो जीना भी नहीं चाहती। ऐसा ना कहो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बस इसी उम्मीद पर जी रही हूँ, किसी तरह मदन की बेटी मुझे मिल जाए। ये मदन कौन है बेटी? कई बार सुना है तुम्हारे अबू से। मदन कानून की मदद करने वाला एक बहादुर इंसान था, जिसने मेरे पति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, मगर जग्गा ने उसे मार डाला। आखिरी सांस लेते वक्त मदन ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी बच्ची को अपने पास रख लूं, मगर वो लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। मैंने उसकी बहुत तलाश की। काश मैं मदन को दिया हुआ वचन पूरा कर सकती। मुझे क्या बात है? मैं ही मदन की बदनसीब बेटी हूँ। क्या तुम? हाँ माँ जी, आज तक मैं हर काम राका के इशारे पर करती रही। उसने आपके पति को मेरे पिता का कातिल बताकर मुझे आपको और उमेश को बर्बाद करने के लिए कहा, लेकिन आज मैं उस कमीने की असलियत को पहचान गई हूँ। मेरी वजह से आपका उमेश उसकी साजिश का शिकार हो गया। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप जैसी देवी को बहुत दुख पहुंचाया, मुझे माफ कर दीजिए। ठहरो अनीता, तुम्हारे पिता मदन को जो मैंने वादा किया था, क्या उसे पूरा नहीं होने दोगे? तुम मेरे पास नहीं रहोगी? माँ जी, अनीता तुम यहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी उमेश। अनीता, पुलिस से भागते भागते मैं तंग आ चुका हूँ। अब तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा उमेश, अब भागेगा तो सिर्फ राका। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी जो हालत है इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारे डैडी ने मेरे डैडी को मारा था, ये गलत फहमी राका ने मुझे दी थी, और मैंने तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करने की कसम खा ली थी। लेकिन आज मुझे असलियत का मालूम पड़ चुका है। कैसी असलियत? यही कि मेरे और तुम्हारे डैडी का कातिल राका का बड़ा भाई था। तो उस कमीने ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है? शेरखान, तुम इस वक्त इतनी रात गए मेरे यहाँ? इंस्पेक्टर किरण गुप्ता, शेरखान की दुनिया में दिन और रात बराबर हैं, रोशनी हो या अंधेरा। शेरखान को सिर्फ एक ही तलाश लगी रहती है, किसी बड़े सौदे की, क्योंकि जितना बड़ा सौदा उतना बड़ा इनाम। मैं समझी नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं, खुद ही समझ जाओगी। मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। अच्छा, मौत के सौदागरों से मेरी जान लेने की कितनी कीमत वसूल की है? इंस्पेक्टर, ये इंसान जिसे आप अपने सामने खड़ा देख रही हैं, उसके बदन में उसकी रूह के साथ साथ एक दूसरे की रूह भी है, जो हर वक्त तड़पती रहती है, ना उसे जीने देती है ना उसे मरने देती है। भेद ये है कि तुम्हारी जान लेने से ही उस बेचैन आत्मा को शांति मिल जाएगी। अगर मेरे जिंदा न रहने से तुम्हारी परेशानियां दूर होती हैं, तो चलाओ गोली। Cheers! क्या संयोग है, आज हमारे राका का जन्मदिन है और आज किरण गुप्ता का मौत का दिन है। दोस्तों, आज हमारी फतेह हुई, एक शानदार जश्न होगा। क्या हमें जश्न में शामिल नहीं करोगे? शेरखान, तुम और इस तरह, तुम्हारी चार दीवारी में शेरखान को रोकने की ताकत नहीं थी। हाँ, मगर तुमने बाहर कीड़े मकौड़े तो बहुत खड़े कर रखे थे। हम चाहते तो उन्हें मसल कर अंदर आ सकते थे, लेकिन हमें तो तुम जैसे भेड़िए से लेन देन चुकाना है। हाँ,
तो तुमने अंदर भी मच्छरों को पाल रखा है। शेर खान, एक फूंक मारी तो तुम यहाँ से न जाने उड़कर कहाँ जा गिरोगे। शेर खान, ये सब मेरे लोग हैं, धमकाने की जरूरत नहीं। क्या काम है ये बताओ। काम पूछते हो, इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए। हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम हमारी बहन के कातिल का पता बताओ। नाम, नाम बताऊंगा तो तुम्हें चोट पहुंचेगी। उसी चोट के जख्म को भरने के लिए हमें उस दरिंदे के खून की जरूरत है। उसका नाम और पता बताओ। शेर खान, ये मत भूलो कि तुम राका के अड्डे पर हो। तुमने सुना होगा कि पिंजरे में बंद हो जाने के बाद भी शेर की ताकत में कोई फर्क नहीं आता। तुम्हारा नाम तो बहुत सुना था, जो आज ताकत भी देख लेते हैं। की तरफ पिंजरे में बंद हो गया। आखिर शेर पिंजरे में पकड़ा ही गया। ऐसे मक्कारी के पिंजरों से शेर की ताकत में कोई फर्क नहीं आता। जानता हूँ, जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी गोली शेर खान के सीने से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। अनीता, तुम? मेरे पिता के कातिल किरण गुप्ता को मारने का हक मेरा था, उसका शिकार इसने करके मेरा हक छीना है, इसलिए आज इसका शिकार मैं करूंगी। शाबाश अनीता, शाबाश। अंकल, आज मैं नाचूंगी भी गाऊंगी भी। हाँ। ये हमारी खुशियां देखेगा और अपनी मौत की घड़ियां गिनेगा। शेर खान, शेर खान, रुक जाओ। आयन वक्त पर तेरी जान बचाने वाली इस लड़की की जान अब मेरे हाथ में है, पकड़ लो इसको। हमारे सामने बड़ी चालाक बनने की कोशिश कर रही हो, हमें धोखा दे रही थी। एक धोखेबाज को धोखा देने में हर्जी क्या है? अच्छा, तो अब तेरी जान भी मुझे ही लेनी पड़ेगी। मैं अगर मर भी जाऊं तो अफसोस नहीं, लेकिन मेरे हाथों तूने किरण गुप्ता जैसी देवी का दिल दुखा है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तू बचेगा नहीं। धोखा सिर्फ तुमने ही नहीं, उमेश ने भी खाया है। फर्क इतना है कि हमने तुम्हें धोखा दिया और तुमने उमेश को, बेचारा बर्बाद हो गया। आज उसकी जान भी हमारे हाथ में है। पहले तुम अपनी जान की फिक्र करो राका, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। पिस्तौल इधर लाओ। अरे उमेश, तुम तुम तो मेरे आदमी हो यार। तुम्हारा आदमी? हाँ। इसलिए तुमने मुझे एक डाकू, एक लुटेरा बनाया, मेरी माँ का खून करवाया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा राका। मेरे चाचा की जान इतनी सस्ती नहीं है, पहले तेरी जान जाएगी। वाह भतीजे वाह, ले जाओ इसे। चलो बच्चा। वाह 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 भतीजे, अगर आज तुम नहीं आते तो तुम्हारा चाचा जिंदा नहीं रहता। अरे चाचा मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे वो दुश्मन तो मरेंगे ही, सोच रहा हूँ पहले किसको मारूं, इसको मारूं या उसको, या सारे शेर खान को ही खत्म कर दूं। चलो शेर खान, आज हम तुम्हारी आरजू पूरी कर देते हैं। तुम सुनना चाहते थे ना कि तुम्हारी बहन का मुंह किसने काला किया? चाहते थे ना? हमने किया है, हमने। आराम जादे, पकड़
काका, मैं किरण गुप्ता जिंदा हूँ शेर खान की मेहरबानी से। वैसे तुम जैसे देश के दुश्मन के लिए मैं शमशान से भी उठकर आ सकती हूँ। तुमने मुझे मारने के लिए शेर खान को खरीदने की कोशिश की, मगर शेर खान को एक ही चीज खरीद सकती है, वो है इंसानियत, जो तुम्हारे पास नहीं है। राका, शेर खान की गोली नकली थी, मेरी मौत भी नकली थी, और आज जो तुम्हारे सामने किरण गुप्ता खड़ी है वो असली है। अब तुम फांसी के फंदे के लिए तैयार हो जाओ। इसकी जान तो मैं लूंगा। शेर खान, इसे इसकी सजा कानून देगा, इसे छोड़ दो। चल, तुझे कानून के हवाले किया। तो फिर और एक शेर खान, तुम्हें कसम है।